तपोवन यहाँ से निकालो, पैम इधर फूलों को चुम करके फिर धीरे से पीछे भी खींचो। देखिए भाई दिखाना साले को क्या इतना बड़ा ग्राउंड है। एक सेकंड बीच में नहीं आएगा, एक मिनट बीच में नहीं आएगा, ऐसे खड़े रहो सर, ऐसे एक मिनट। सर सामने देखेंगे सभी लोग, आप लोग भी सभी लोग सामने इधर लिखेंगे। अंकल सामने देखें। वीडियोग्राफर आप हैं ना, मूवमेंट में वो हमारा पक्का है बच्चे। एक मिनट एक लोग एक्सप्लेन करो। तो शुरुआत पूरे उत्तर प्रदेश में फोकस कानपुर से चालू होगा। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हमने सोचा कि जैसे गवर्नमेंट आया वैसे एनजीओज और भी है या प्रशासन है, सब मिलके पूरे उत्तर प्रदेश को हम नशा मुक्त फेजेस में करेंगे, है ना। धीरे धीरे जाएगा ये, और हम चाहेंगे कि गांव गांव में जाए। उसके लिए वो गाड़ी रथ भी बनाए हैं जिसमें चित्र लगे हुए हैं, जिससे हम समझाएंगे और जिनको ज़रूरत है लेके जाएंगे। आगे आती है तो राजयोगी मेडिटेशन, अभी डॉक्टर साहब बात करने वाले हैं कि राजयोग मेडिटेशन कैसे मदद करता है नशा छोड़ने में। इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडीज हुए हैं, तो चेतना को परिवर्तन करता है, व्यवहार में बदलाव लाता है, मन की दिशा उत्तरी होती है, जीवन शैली परिवर्तन होती है, नींद अच्छी आती है, जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है दारू पीने वाले ड्रग्स लेने वालों को, तो नींद और शंका और सकारात्मक ये सब इसमें बताया जा रहा है। ये बोर्ड उसके आगे इसमें आ जाइए, टेंट के नीचे आ जाइए थोड़ा सा। जो शोध हुई थी जिसमें कि जिन लोगों ने की 1000 लोगों के करीब ऐसे लोग जिन्होंने की नशे छोड़ दिया अलग अलग राज्यों का जीवन शैली को अपना के, तो उसमें ये चीज़ निकल के आई कि जब आपकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है और आपकी सोच जो है वो नकारात्मक से सकारात्मक हो जाती है और आप अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखते हैं और उसमें भगवान जैसे जिसमें चित्र होते हैं, तो उसकी वजह से आप बाहर नशे को अपने जीवन में बदल सकते हैं। ये शोध पब्लिश हो चुकी है, अभी आपको पेपर मिलेगा। आप ही नहीं, शोध के परिणाम ये शोध समझ आपका है, मैं और सचिन दोनों का ये तो सभी मेडिकल विंग की टीम है, हमारे डॉक्टर नायर है, डॉक्टर बनारसी भाई, सभी ने इसके ऊपर स्टडी किया। ये जिला कार्यक्रम के हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर कंसल्टेंट है, वो बताएंगे सरकार की ओर से। नशा जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत ही बुरी चीज़ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का नशा हो, शराब का नशा हो, तंबाकू का नशा हो, और तंबाकू हर नशे का जनक है। अगर आपको एक कम उम्र में तंबाकू की लत पड़ जाती है तो अन्य नशों को आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं के साथ साथ सरकारी विभाग भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस कार्य में बहुत इनिशिएटिव ले रही है और उसने डिपार्टमेंट खोल रखा है टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो एक राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है और जिसके समस्त जनपद में पूरे 75 जिलों में कार्यालय हैं, जिसको जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने टारगेट ग्रुप बच्चों को ही रखा है, स्कूल्स में ही रखा हुआ है, क्योंकि एक उम्र पहुँच जाने के बाद थोड़ा सा हमें दिक्कतें होती हैं लोगों को छुड़वाने में, लेकिन उनको टारगेट बनाना हमारा सबसे पहला काम है, जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है।
उनको ऐसी शिक्षा देना कि वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना कर सके। साथ ही बड़े लोगों में भी हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से भी उनको छुड़ाने का प्रयास करा रहे हैं और थोड़ा सख्ती का भी माहौल रखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे थोड़ा तंबाकू का या अन्य उससे संबंधित उत्पादों का सेवन ना कर पाए। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जब हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर रोशन जैकब थी, हम लोगों ने अपने जनपद में बहुत काम किया, यहाँ तक कि तंबाकू की सेल में भी बहुत फर्क पड़ा और 2015 में कानपुर जैसे जनपद को हम लोगों ने पूर्णतः तंबाकू मुक्त घोषित किया। मतलब ऑफिसेज में लोग तंबाकू का कंजम्पशन नहीं करते, डरते थे कि कोई भी आ सकता है पीछे से मेरे ऊपर चालान कर सकता है, तो थोड़ा सख्ती भी अपनाते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम लोग कार्यालयों में जाके और विद्यालयों में जाके इसको कर रहे हैं। और पूर्णतः प्रयास है कि जैसे 2015 में हम लोगों ने सफलता पाई है, वैसे हर वित्तीय वर्ष में हम इस कार्य में सफल हो सकते। ये हमारे प्रदर्शनी के चित्र है, अलग अलग नशे कितने प्रकार के, लोग क्यों नशा करते हैं, नशे से कैसे पहचाना जाए, है ना। अलग अलग ये पूरी प्रदर्शनी है, ये वैन के अंदर जाएगी और वैन अलग अलग जगह पे जाके वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट मरीज के जो सेंटर है या आसपास की NGO हैं या स्कूल्स हैं उनको इकट्ठा करके फिर उस प्रदर्शनी को दिखा के और जो लोग उसमें फंसे हुए उसको छोड़ना कैसे इसके बारे में। ये जो रैली निकालेंगे कई दिनों तक चलती रहेगी, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, ये अनएंडिंग प्रोजेक्ट है। पर हमारा क्या है, कुछ माइलस्टोन होंगे जिसको हम चेक करेंगे। हमारे ना दो प्रोग्राम चलते हैं, एक प्रिवेंशन एंड एक क्योर। तो हमारा फोकस ज़्यादा प्रिवेंशन के ऊपर है, जैसे इन्होंने कहा ना, हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरा स्कूल नशा मुक्त स्कूल, मेरा कॉलेज नशा मुक्त कॉलेज। और फिर जो छोड़ना चाहते हैं उनको हम मदद करेंगे, है ना। तो दोनों प्रकार से ये चलेगा और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। स्कूलों में वैल्यू एजुकेशन के जरिए साथ में इसमें हम थोड़ा आपका कोऑपरेट कर सकते हैं इनके साथ है। जो हमारे यहाँ आते हैं उनको तो हम भेजेंगे भेजेंगे, थोड़ा साइकेट्री डिपार्टमेंट से भी कोऑर्डिनेट कर देंगे, जहाँ पे मल्टीपल नशा होता है वो यहाँ पे। तो हमको पता है कौन से पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, कौन से कोऑपरेटिव लेवल पे ट्रीट करना पड़ता है और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। बहुत पेशेंट आते हैं हमारे। वैसे अभी जब आप अंदर आएंगे तो जो शोध हुए बहुत से ऐसे पेशेंट जिनको कि आमतौर पे ट्रेडिशनली सोचा जाता है कि एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब लाइफस्टाइल बदलता है और वहाँ पे और कोई नहीं ले रहा होता तो जो विड्रॉल्स हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। मेरे लिए खुद ये बड़ी एक अजीब चीज़ थी क्योंकि मैं ट्रेडिशनली साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन किस सही माहौल से जीवन शैली को बदलने से आपका मन जो है आपके शरीर के विड्रॉल्स को भी बेटर कर सकता है, ये चीज़ इस शोध में देख रहे हैं हम। देखेंगे अभी प्रेजेंटेशन में चलते हैं अंदर, ये सब स्लोगन दादी को दादी के नेतृत्व में हमने हम सब ने यह ठाना है व्यसन मुक्त प्रदेश बनाना है, संकल्प लिया दृढ़। ये हमारे एग्जीबिशन अच्छे आ रहे हैं। इतने परेशान हैं घर घर में, बाद ही लोग तो सोच लेते हैं उनकी आदत नहीं होता, लेकिन घर की महिलाएं जो परेशान हो वो सबसे बड़ी। मैं कितना खुश हूँ समझते हैं, हम देखते हैं कि कितनी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है। यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, माताओं बहनों को ज्यादा, महिलाओं से भी वो बच्चों पे असर पड़ती है, वो चीज तो खत्म होनी चाहिए। हंसते मुस्कुराते आते जिंदगी को जियो, जहर मत पियो भाइयों जहर मत पियो। राम नाम सत्य नशे से होता है, बीमारी को पारा नहीं पाकर मारा होता है। मना ऐसे हमारे पास लिस्ट है स्लोगन के, जो रैली चलती जाएगी ना गांव माइक के ऊपर बताएंगे लोगों को। नगद भाषा ने सूर्यो न संपूर्ण भाव का यद गत्वा न निवर्तन ते तद धर्मम कर्मम मैं उनका हूँ। आँख के लिए सीखे इस संपूर्ण आत्मा को दिला है।
से।